की वजह से नहीं है और इसी वजह से आप देख नहीं सकते बैंक निफ्टी अब भी फ्लैट है. अगर कमजोरी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में हुई है वो भी रिलायंस की वजह से. तो ये जो फैसला रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील अब देखना होगा कि आगे बढ़ पाती है नहीं, किस तरह का क्या कुछ होता है. लेकिन फिलहाल अमेजोन के पक्ष में ये फैसला आता हुआ दिख रहा है इस वक्त. ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है. शर्मा साहब हमारे साथ हैं. शर्मा साहब मैं पॉलिसी पर राय लूँ उससे पहले इसी बड़े डेवलपमेंट पर आपसे राय लेना चाहता हूँ. अमेजोन के पक्ष में फैसला सुना है और रिलायंस का स्टॉक कमजोर है, कैसे देखते हैं आप, क्या डील आगे बढ़ पाएगी या रुकेगी? देखिए मेरे ख्याल से एक तो ये इसके अंदर डील के अंदर वापस एक तो पता नहीं कितने बड़ा बेंच था ये, तो हो सकता है लार्जर बेंच के ऊपर जाए या किसी प्रकार का अगर फर्दर अपील पॉसिबल है तो. लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी जजमेंट आया है वो लॉ के हिसाब से अच्छा है, तो उससे देश का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो भले ही कोई एक कंपनी नामी कंपनी हो उसको थोड़ा झटका लगे, लेकिन अगर देश के जो आपकी जुडिशरी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ओवरऑल देश के लिए अच्छा है. तो फिलहाल मैं समझता हूँ उसको मैं बहुत ज्यादा उससे नहीं देखूंगा. और दूसरी बात ये कि इस पॉलिसी के ऊपर अगर आप बनाए तो सबसे पहले जो पॉलिसी के अंदर जो फर्दर एक्सटेंशन किया है 6 महीने का, उससे भी मार्केट थोड़ा चिंतित हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपको और फर्दर 6 महीने दिया है तो मार्केट और पर्सपेक्टिव से टाइम दिया गया है बैंकों को वो रेशो मीट आउट करने के लिए सितम्बर 2022 तक. लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि भाई अभी आपने झाड़ू मार के कारपेट के नीचे कचरे को कर दिया है ऐसा थोड़ा लगता है. लेकिन ये देश को ये आवश्यकता है तो उतनी बड़ी चीज नहीं है. कुल मिला के जो बग्गा जी ने कहा कि यूएस ऑब्वियसली गुड न्यूज इज बैड, वो उन्हीं की बनाई हुई थ्योरी है और बिल्कुल सही काम करती है मार्केट्स के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगी. और मैं मानता हूँ कि ये हमारी जो तेजी है 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी ठंडी पड़ सकती है किसी भी कारण से और फिर थोड़े समय के बाद वापिस चले, तो कोई बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे होने वाले नहीं है ऐसा मेरा मानना है. और मार्केट अगर यही स्टेबलाइज हो जाए तो हम सब लोग जो चाहते हैं कि मार्केट भले निफ्टी न बढ़े, निफ्टी बैंक निफ्टी भी न बढ़े, लेकिन जो माहौल कॉन्फिडेंस अगर सुधरता है मिड और स्मॉल कैप्स में तो वो देश के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है. ऐसे के लिए अच्छा है कि ये थोड़ा स्टेबलाइज हो तो वहां पे थोड़े पैसे बनने शुरू हों दोबारा इन्वेस्टर्स के लिए, वो हम सब लोग यही चाहते हैं.